Now today's topic is attribute of stable community. क्या reason है कि कोई भी community के अंदर इतनी ज़्यादा species में variations होने के बावजूद भी stability show करता है? Actually there is a two type of experiment which has been given by, the one is the David Tillman. This is the one experiment and second one is given by Ehrlich experiment. In case of the David Tillman experiment, अब ये क्या कहते हैं? इनका बहुत काम community, stable community के ऊपर है, जिसमें से जो experiment choose किया है, उन्होंने बोला कि अगर, for example, ये मेरे पास एक area है, ठीक है? इस area के अंदर बहुत सारी species पाई जाती हैं, तो उसने बोला जितनी ज़्यादा यहाँ पर, for example, यहाँ different type की species 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये बहुत सारे टाइप की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसने बोला जितना एरिया में जितनी ज़्यादा रिचनेस ऑफ स्पीसीज होगी उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्लियर? क्या कह रहे हैं टिलमन? टिलमन, डेविड टिलमन ने क्या कहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में इफ एरिया हैज रिचनेस in species, then the productivity will be greater. ठीक है? अब इसके लिए टिलमन ने क्या किया है? उसने बोला कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता रहता है, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन एरिया, this is called an area A, ठीक है? उसके बाद another area, for example, this area is called B. The third area is called, this is an C. One more area is there and this is an area of D. Clear? तो उसने बोला कि जितनी ज़्यादा area बढ़ता जाता है, उतने ही ज़्यादा richness of species भी बढ़ती है. Now see to this. For example, अगर मैं यहाँ मूव कर रही हूँ ए से बी, बी से सी और सी से डी की तरफ, यानी एरिया मेरा बढ़ रहा है, ठीक है? तो अगर ए का डायमीटर अगर मैं देखूँ, या ए का ये जो एरिया आप देख रहे हैं वो छोटा है, क्लियर? और उसका कंपैरिजन अगर मैं डी से करूँ तो डी तो बहुत बड़ा एरिया है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है, यहाँ पर स्पीसीज का रिचनेस देखिए कितना है, और अगर ये बढ़ता है, डबल होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो डाइवर्सिटी भी, ऑलमोस्ट स्पीसीज जो है वो भी बढ़ जाती हैं, यानी उनका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है. और फिर अगर और बढ़ता है तो ये प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, यानी रिचनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट. क्लियर? मैंने बोला है वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगेन द स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस. क्लियर? वेन यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी और द बी टू सी, अगेन द रिचनेस इज रिपोर्टेड. क्लियर? लेकिन अब सी, एक लिमिटेशन है वहां पर कि सी के बाद, सी से जब डी में जाते हैं तो एक लिमिटेशन आ जाती है. तो जरूरी नहीं है कि जितनी आप डबल स्पीसीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इससे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो जो लिमिटेशन आने की वजह से वो क्या होता है, वहां पर कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है. कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते, वो कभी ना कभी घटते रहते हैं, और अगर उनको नहीं बचाकर रखा गया तो नेचुरली ये चीज़ें तो रहेंगी. तो यहाँ पर देखा गया, क्या बोला है टिलमन ने, अगर एरिया की रिचनेस जो है अगर आपको देखनी है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिचनेस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर एरिया अगर बढ़ भी जाए तो रिचनेस ज़रूरी नहीं है कि उस हिसाब से बढ़ जाए. आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल टू बी सिंप्लीफाई दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मुझे 5 स्पीसीज मिल रही हैं तो उसका दुगना मुझे यहाँ 10 मिल रही हैं, 10 का दुगना मुझे यहाँ पर 20 मिल रही हैं, तो नेचुरली मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ मुझे 40 स्पीसीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 40 की बजाय मुझे मिली है सिर्फ 23 या मुझे 24 मिली है. तो इतनी स्पीसीज मिली है तो ऐसा क्या रीज़न है यहाँ पर? तो वो रीज़न जो है वो यहाँ डिस्कस किया गया है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रेटर तो हो रही है, लेकिन एक एक्सटेंट, एक कुछ समय के बाद वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर रुक जाती हैं. तो वो क्यों हुआ ऐसा?
तो naturally इस चीज को हम लोगों ने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया गया और that was credited goes to the Ehrlich, clear? उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, he has given a hypothesis और इस हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा है, इस कंप्लीट हाइपोथेसिस का नाम क्या है कि उन्होंने बोला किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो इकोसिस्टम है वो एक प्लेन की तरह है, एक एरोप्लेन की तरह है, ठीक है, और जो उसके अंदर स्पीसीज होती हैं वो सारे की सारी एक रैबिट की तरह है, क्लियर? तो क्या हुआ है बेटा यहां पर, हम उसने क्या एक हाइपोथेसिस दिया है जिसका नाम है द रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, क्लियर? Ehrlich ने एक हाइपोथेसिस दिया है कि द रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और एनसीईआरटी में इसका बहुत बड़ा एक अच्छा 2 से लेकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता रहा है। अब यहां पर क्या करना है कि उसने क्या बोला है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इट जस्ट लाइक एन एरोप्लेन और एयरप्लेन, ठीक है, उसने इसे एयरप्लेन बोला है और एयरप्लेन के अंदर जितने भी रैबिट हैं, रैबिट का मतलब होता है आप स्क्रू लगा सकते हो, बोल्ट्स लगा सकते हो, तो ठीक है, तो वो जितने भी स्क्रू हैं, क्लियर, या आप उनको बोल्ट कह सकते हो, पेच, ठीक है, तो ये रैबिट को स्क्रू या बोल्ट भी बोला जा सकता है, तो वो सारे के सारे क्या है, एक तरह से एक स्पीसीज है, क्लियर? अब इस बात को ध्यान से समझना, आई एम ड्रॉइंग वन मोर डायग्राम ओवर हियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि रैबिट पॉपर क्या बोल रहा है कि अगर हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अ प्लेन, क्लियर, एंड हियर इज अ प्लेन, फाइन, एंड दीज आर द विंग्स एंड हियर वी हैव विंग्स एंड दिस इज एन अ सॉर्ट ऑफ एन अ विंडो एंड हियर इज द स्मॉल रैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका समझने की बात है कि ये पूरा जो जो ये एयरप्लेन बनाया हुआ है ये एक इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है, क्लियर, और इसके अंदर देखिए यहां पर इस विंग को जोड़ने के लिए यहां पे नेचुरली आपने कुछ बोल्ट लगाए होंगे, क्लियर, तो वो क्या है, रैबिट है, ठीक है ना। अब जैसे आप सीट है, सीट को आपने लगाने के लिए बेस के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ बोल्ट लगाए होंगे, तो वो क्या है, रैबिट है। कॉकपिट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी वहां पर किसी भी चीजों को आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आपने वहां पर फिट किए हैं तो वो भी किसी ना किसी रैबिट के साथ जुड़े होंगे, क्लियर, और ये जो टेल है ये भी यहां पर किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी होगी, तो नेचुरली जो हर एक पुर्जा जो एज ए रैबिट काम कर रहा है वो यहां पर मौजूद है, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि अगर इनमें से सीट, मैंने यहां पर बोला है कि एक तो आपके पास होता है विंग्स का, विंग्स रैबिट, ठीक है, विंग्स को जोड़ने वाला एक स्क्रू, और सेकंड मैंने बोला है दैट इज एन अ सीट जहां पर आप बैठते हैं, पैसेंजर को लेकर जा रहा है, ठीक है, जो सीट है वो रैबिट के साथ जुड़ी हुई है, प्लेन के साथ, क्लियर। तो अगर ये सीट का एक बोल्ट टूट जाता है या निकल जाता है तो उसका कोई फर्क पूरे प्लेन के ऊपर नहीं आता है, वो अपने आप को अनडिस्टर्ब रखेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर 2 या 3 सीट्स का भी अगर बोल्ट निकल जाता है तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर इस विंग का रैबिट अगर निकल जाता है, क्लियर, समझ रहे हैं आप, अगर इस रैबिट इस विंग का निकल जाता है, अगर ये निकल जाता है तो नेचुरली क्या होगा, आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये यहां से डिलीट कर देती हूं, ये देखिए यहां से निकल गया तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम, क्या होगा, इंबैलेंस हो जाएगा, ये देखिए इंबैलेंस हो गया। तो बात ये हो रही है कि इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह है जिसमें सारी की सारी जो स्पीसीज हैं वो एक पैसेंजर की तरह ट्रेवल कर रही हैं, उनमें से अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं नेचुरली, तो नेचुरली वो कई बार क्या होता है पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब होने से बचा लेती हैं। लेकिन अब समस्या ये खड़ी होती है कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज जो बाकी स्पीसीज के साथ किसी फूड चेन या फूड वेब में एक दूसरे का साथ दे रही हैं, तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इकोसिस्टम है, एरिया है, यहां पर मेरे पास एक स्पीसीज है जिसको मैंने बोला ए स्पीसीज, क्लियर, तो ये स्पीसीज जो है वो इंटरलिंक्ड है बी के साथ, ये सी के साथ,
ये डी एक सॉर्ट ऑफ एक फूड चेन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये ई है और ये एफ है, ये अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के साथ उसी इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन होता क्या है, अगर ये खत्म हो जाए, अगर ये मर जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। अगर ये भी खत्म हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही खत्म हो जाए तो अब फर्क पड़ता है। अब पूरा जो इकोसिस्टम है वो किस में चला जाएगा, डिस्टर्बेंस में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जिनको आप बोलते हैं ना की स्टोन जो स्पीसीज होती हैं, वो कभी भी अगर डिस्टर्ब होंगी तो इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। और ये बात समझाने के लिए ही इस हाइपोथेसिस को डिजाइन किया गया है कि राइवट पोपर हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि जितने भी इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के साथ फूड चेन या फूड वेब में इंटरकनेक्टेड है। अगर उनमें से कोई भी एक स्पीसीज वहां से हिलती है तो हो सकता है कि इतने बड़े इकोसिस्टम में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई अगर वहां की जो मेजर स्पीसीज है जो उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उस इकोसिस्टम को बचा रही है। अब आप ये देखिए, अगर ये विंग्स ही हट गए और अगर ये भी हट जाता है तो नेचुरली ये प्लेन क्या होगा, क्रैश करेगा, क्लियर। तो इसीलिए इसको बोला द राइवट पोपर हाइपोथेसिस। आई एम गिविंग यू वन सिंबोलिक प्रेजेंटेशन ओवर हियर, लेट मी शो यू, दिस इज द वन ऑफ द प्लेन, ओके, just try to see that this is the plane and here a whole of the system is controlled. ये देखिए दोनों wings and these alls and wheels and tail and it has been controlled, clear. अब अगर यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ें अलग कर दूँ, I am just showing you one more example like this, just see to this, ठीक है। ये अजीब लग रहा है ecosystem, क्या हो गया इसमें, ये देखिए। अब for example मैंने उसका एक wing और इसका tail जो है वो delete कर दिया। अगर ये delete कर दिया तो naturally अगर ये वाला system भी मैं अगर delete कर दूँ, ठीक है, ये विंग जो है अगर मैं इसको भी निकाल देती हूं तो क्या होगा, देखिए, जस्ट सी टू दिस, हो गया इकोसिस्टम, क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और ऐसे इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस से बहुत सारे, या तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्रैश करेगा, या इकोसिस्टम बिल्कुल खत्म होगा, या फिर क्या होगा, बहुत सारी जो स्पीसीज इस इकोसिस्टम के अंदर है जो की स्टोन की तरह काम कर रही है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जिनको हम दोबारा प्राप्त कर ही नहीं सकते, दोबारा उनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी और वो हमारे इकोसिस्टम में हमेशा के लिए बाहर चली जाती हैं। सो दिस इज द वन थिंग। अगर इसके बारे में बात करें तो तीन एक मेजरमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर वन, लेट मी राइट ओवर हेयर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक क्वालिटी होती है, ठीक है, उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन थ्री रीजंस, क्लियर। ये एट्रीब्यूट्स हैं कि कौन कौन से तीन ऐसे कारण हैं जिससे इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल रह सकता है। नंबर वन, ये कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, इट कैन नॉट, इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब्ड इफ एनी invasion of alien species comes in it, ठीक है। invasion of alien का मतलब होता है हमने किसी foreign species की बात की है। अगर कोई foreign species भी हमारे ecosystem में आती है तो किसी भी सूरत में ecosystem जो है वो destabilization या unstabilizing में नहीं जाता है, वो खराब नहीं होता है। सेकेंड इसका रीजन ये भी होता है, इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू सम सीजनल डिस्टर्बेशन। अगर सीजनल चेंजेस भी अगर आते हैं तो उसकी वजह से भी किसी भी तरीके का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। द सेकेंड वन इज, इट इज रेसिस्टेंट टू सीजनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, सेकेंड ये है। और तीसरा क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर एक सर्टेन लिमिट के बाद ईयर टू ईयर कांस्टेंट होने लगती है, यानी फिर उसके बाद धीरे 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 अगर सारी स्पीसीज एक साथ उस कम्युनिटी में अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करती हैं और फूड वेब और या फूड चेन्स के साथ इंटरलिंक्ड है, तो उसके बाद एक सिस्टम डेवलप हो जाता है रेगुलेशन का।
अगर वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नेचुरली पूरा इकोसिस्टम जो है एक बार तो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज अगर बीच बीच में आ रही हैं तो हो सकता है इकोसिस्टम के अंदर वो स्पीसीज की, उस स्पीसीज को खतरा हो सकता है, उस एनिमल की जो स्पीसीज है उसको भी, प्लांट या एनिमल दोनों की स्पीसीज को खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये है इट शुड नॉट, देयर शुड बी variations up to certain limit, ठीक है, variations एक certain limit तक ही होती है, उसके बाद जो variations है वो आना बंद हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो अगर एप से लेकर के हम लोग यहां तक आए हैं, अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन देखें तो हमारे पास ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, देन वो नियंडरथलेंसिस, देन वी आर कमिंग ऑन द हिबालिस, इरेक्टस, होमो सेपियंस, तो हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, अपना पूरा वजूद पाया है, यानी अब हम जो है वो एक स्टेबल स्पीसीज में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर चेंजेस आते हैं तो वो अब आगे आना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी। थैंक यू। So after understanding their biodiversity in case of the plants and animals, I am just showing you the strains of the Oryza sativa. This is called in the rice, fine. And now see to this. This is the one strain. Just see to this. This is called the one strain. ये rice का बहुत सारी varieties हमारे पास India में available है. उनमें से एक strain ये है, ठीक है. और दूसरा strain हमारे पास ये है. Just see the seed. Seed pattern आप देखिए. यहाँ पर राइस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर राइस का जो वैरायटी है वो थोड़ा सा छोटी है। कारण क्या है? स्ट्रेन। तो ऐसे हमने राइस की बहुत सारी जो वैरायटीज बनाई हैं उसमें हमने जीन में म्यूटेशन किया है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था अपने लास्ट लेक्चर में कि वहाँ पर कैसे जो रेड कलर का एप्पल है उसकी कितनी सारी वैरायटीज हमने आज मार्केट में निकाल दी हैं, उसी तरह से बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, ये सारे के सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स और सीरियल क्रॉप्स में हमने स्ट्रेन्स को यानी जीन म्यूटेशन करके अपनी लैब्स के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ को डेवलप किया है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिटी का ही एक एग्जांपल है जो डाइवर्सिटी कॉज कर रही है। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड विद द एनिमल्स वन। जस्ट ट्राई टू सी दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे आर residing over here, and here we have an herbivorous animal. ये सारे के सारे जो animals हैं वो एक particular individuals हैं, यानी एक एक species हैं, clear? और ये जो species हैं आगे जा करके reproduce करेंगी, interbreed करेंगी, तो बहुत बड़ी बड़ी communities बना देंगी और उनका population बढ़ जाएगा। तो जब तक environment favorable है, अच्छा है, और human activities इसके अंदर बहुत कम है या limited है, या कोई national और international इनके ऊपर command है, यानी कि कुछ लॉज हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास रेगुलेटरी फॉर्म्स हैं, अगर ये सब हमने टाइमली डिज़ाइन किए हैं तो हो सकता है अपने बे इंतहा वाले जो जितने भी जंगल हैं जिनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसको हम बचा पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जितना भी हमारे पास है, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वाला जनरली असम और हमारे जितने भी ईस्टर्न घाट्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाली ये प्रजातियाँ बहुत पाई जाती है, जबकि ये मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले हमारे पास एनिमल्स हैं जो प्लेनर एरियाज में पाए जाते हैं। तो इनके आगे आगे भी हमने बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या वेरिएशंस लेकर आए हैं, अब वो डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं, बहुत सारी विभिन्नताएँ आ रही हैं क्योंकि जीन्स बदल रहे हैं। तो नेचुरली ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं डाइवर्सिफिकेशन का ही एक हिस्सा है, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से चेंजेस हों या ज्योग्राफिकल पैटर्न्स की वजह से हमने चेंजेस किए हैं, तो ये सारे एनिमल्स इसी में इंक्लूड होते हैं। अब इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एरियाज में हैं, टेम्परेट्स में हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इक्वेटर लाइनअप जो फॉरेस्ट हैं उन जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेनर एरियाज में पाए जाने वाले इन एनिमल्स की अपनी एक कॉलोनीज है। अब जितनी बार, अब अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ एक पेड़ का, तो ट्री के ऊपर पता नहीं अनगिनत बर्ड्स का, छोटे छोटे वर्म्स का, इंसेक्ट्स का, बटरफ्लाइज की, इंसेक्ट्स की कितनी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो वहाँ पर अपना घेरा डाले बैठी हैं। तो एक पेड़, फुल फ्लेज्ड एक पेड़ भी एक बहुत अच्छी डाइवर्सिटी का ही एक एग्जाम्पल्स है जो इसके साथ कोरिलेट किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सर।